हाय फ्रेंड, फटाफट आप लोग तैयार हो जाइए। बिहार के 3800 जिले के लिए नई वैकेंसी आ चुका है पंचायत एवं वार्ड स्तर पर। बिहार पंचायत जॉब 1,13,891 पद है। कब से होगा आवेदन शुरू, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। बिहार के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है, वार्ड सभा करेगी 1,13,891 वार्ड सचिवों की नियुक्ति। तो यहाँ पे ग्राम पंचायत में ही आपको काम करना पड़ेगा। राज्य की सभी पंचायतों में 1,13,891 वार्डों में सचिवों की नियुक्ति होगी। ग्राम पंचायतों को नियुक्ति का अधिकार होगा। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आपको इस आशा का पत्र सभी जिलाधिकारियों को जारी कर दिया गया है। पत्र में कहा गया, ये आप लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। दोस्तों, साथियों और फ्रेंड, इस वीडियो को पूरा देखिए और लाइक करना ना भूलिए और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यह आपकी किस्मत खोलने वाली बिहार की जॉब है, तो आप लोग तैयार रहे, फटाफट देखना शुरू कर दीजिए। 1,13,891 वार्डों में सचिवों की भर्ती प्रक्रिया यहाँ पे बताया जा रहा है। पत्र में कहा गया कि बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 का परिणाम 15 दिसंबर तक हो जाएगा। ऐसे में बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियावन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली 2017 के प्रावधान के तहत वार्ड सचिव सहित वार्ड क्रियावंत एवं प्रबंधन समिति का आप लोगों को गठन किया जाएगा, तो इसके दावेदार आप जरूर हो सकते हैं। अब ग्राम पंचायत के सदस्यों के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा। पंचायत आम चुनाव के बाद वार्ड सचिव और वार्ड क्रियावंत एवं प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा जाना है। यह काम पंचायत के तहत गठित वार्ड सभा के द्वारा हर वार्ड में वार्ड सचिव की नियुक्ति की जानी है। इसमें प्रावधान किया गया है कि वार्ड सभा चाहे तो पुराने वार्ड सचिव को भी फिर से मनोनीत कर दे, और वार्ड सभा का यह भी अधिकार है कि वह अपने नए वार्ड सचिव की नियुक्ति कर ले। साथी, आप लोग तैयार हो जाइए, आपका सुनहरा अवसर और आपके हाथ में सुनहरा मौका है बिहार जॉब पाने के लिए। आप लोगों को ग्राम पंचायत में दी जाने वाली राशि, ग्राम पंचायत के अंतर्गत आप लोगों को यह अस्थाई नियुक्ति की मांग पर पटना में धरने पर बैठ वार्ड सचिव पंचायती राज विभाग के इस निर्णय के विरोध में बिहार राज्य वार्ड सचिव संघ द्वारा पटना के गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। वार्ड सचिव संघ के सचिव चंदन कुमार ने बताया कि सरकार वार्ड सचिव के साथ अन्याय कर रही है। राज्य में जब न्याय मित्र, न्याय सचिव, पंचायत सचिव में टोला सेवक जैसे पदों की अस्थाई किया गया, तो फिर वार्ड सचिव के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है। न्याय सचिवों के पास 4 वर्षों का अनुभव भी है, तो आप लोगों के लिए इस अनुभव को देखते हुए ऐसा नहीं होगा। सरकार ने आदेश जारी कर दिया गया है, नए वार्ड सचिव का चुनाव किया जाएगा। इसमें आप लोगों के लिए 5 साल के लिए रखा जाएगा, ऐसा पेपर में नहीं है, फिर भी 5 साल के लिए रहता है। लेकिन आप लोग तैयार रहे, आपका जो भी साथी है उसको देखते हुए सभी साथी ग्राम पंचायत के अन्य कर्मियों के अधिकार भागीदार वार्ड सचिव की रही है। ऐसे में सरकार अपने आदेश को वापस लेते हुए वार्ड सचिव को अन्य नियोजन कर्मियों की भांति उनकी सेवा बढ़ा दी जाएगी, लेकिन क्रियावंत एवं प्रबंधन समिति के खाते में ही पैसा आप लोगों को दिया जाएगा। तो जो भी साथी है, मैं हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ,
जो भी नए जानकारी हम लोगों के पास आता है मैं आप तक पहुंचाने का काम करता हूं। तो जो भी साथी है चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ इसे इतना शेयर करें ताकि यह जानकारी सभी के पास पहुंचे। और मैं हमेशा आप लोगों के लिए आज एक न्यू जानकारी लेके आया हूं। वार्ड सचिव का 18 दिसंबर 2021 का यह जानकारी है। प्रभात खबर के माध्यम से इस जानकारी को आप लोग देख रहे हैं। हमेशा आप लोग चैनल को रोटेट करते हुए देखने का काम करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करेंगे। मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।